दबाना नीचे। ये देखिए इनका कलर अब ब्राउन हो रहा है, इनको निकाल के दिखाते हैं। इस तरह हमारी नरम होनी चाहिए। सही, हमारी दही भली तैयार हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आसान रेसिपी एंड व्लॉग। आज हम दही भलियों की बूंदी बनाना आपको सिखाएंगे। ये देखिए बहुत ही क्रंची और नरम हमने तैयार की हैं। ये देखें जी, हमारे पास हमने पानी में भिगो के रखी थी। ये देखिए कितनी ही नरम और सॉफ्ट बनी है। अब हम शुरू करते हैं बनाने। बेसन हमारे पास 2 कप है। ये हमारे पास इधर 1 गिलास पानी है, हमने आधी चम्मच नमक के लिए और अजवाइन है। ये हमारे पास घर में सोन हलवे का डब्बा पड़ा हुआ था, इसके सराख हमने खुद ही घर में किए हैं। ये देखिए इस तरह से सराख हमने किए हैं। अब इसके अंदर हम ये अजवाइन शामिल करेंगे और नमक, इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। पानी हम इसके अंदर इतना शामिल करेंगे कि ना हमारा पीस ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही पतला हो। ये देखिए हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। इस तरह का हमारा पेस्ट होना चाहिए, फ्लफी सा और गाढ़ा। ये देखिए हमने हाथ की मदद से हमने इसको बेसन को लेना है, तो हमने इसके ऊपर इस तरह रख के तो हमने इस तरह से दबाना नीचे। कितनी खूबसूरत लग रही है। ये देखिए इनका कलर अब ब्राउन हो रहा है, बहुत अच्छी लग रही है। देखें अच्छी तरह से ये ब्राउन हो गई है। अब हम इनको निकालते हैं। 2 कप बेसन के अंदर हमारी ये देखें इतनी 1 प्लेट हमारी भलियों की तैयार हो गई है, बहुत ही नरम और अंदर से अच्छी तरह पकी हुई है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। सही, हमारी दही भली तैयार हो गई है। ये हमारे पास पानी है, इसके अंदर हमने पहले थोड़ी देर डालनी है, 5 मिनट हमें डालनी है। ये देखिए इतनी हमने नरम रखनी है, ज़्यादा हमने इनको पानी के अंदर रख के गलाना नहीं। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, अच्छी तरह से हमारी तैयार हो गई। अब इनको निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए हमारी इस तरह हमारी नरम होनी चाहिए। इस वीडियो के लिए वक्त निकालने का शुक्रिया। नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।